गाड़ी का लाइट बंद करो। अमर अमर उसको बोलना गाड़ी का चलो फोन लगाओ सिंगल सिंगल थोड़ा छटाक मटाक बन गया था माय जैकेट आज के दिन की शुरुआत कुछ ऐसे हुई कि सुबह उठा मैं आराम से, क्योंकि कल रात को केक वेक काटा, सब लेट हो गए, 5 बजे आराम से मैं सोया, आराम से उठा सुकून से, और पूरा दिन लोगों को जवाब देने में लग गया। एंड अब आए हैं पार्टी वार्टी के लिए, तो आई होप अच्छा लगे सबको, क्योंकि अच्छा ऑर्गेनाइज हुआ। सरप्राइज बहुत कुछ मिला, बहुत सारे सरप्राइज गिफ्ट्स मिले कल, और उसके अलावा अभी और एक आधे सरप्राइज हैं जो आपको वक्त के साथ पता चलेंगे। तो फिलहाल तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, एंड मैं चाहता था कि इस बर्थडे का हिस्सा आप सब रहें, एंड अच्छा लग रहा है आप सबको देख के। आज के लुक के बारे में प्लीज बताइए। आज का लुक है झटाक मटाक, इसका नाम रखा है मैंने, क्योंकि मैं चाहता था चमकते सितारों की तरह एक जैकेट होनी चाहिए जिसके अंदर एक चमकती टी शर्ट होनी चाहिए, एंड आई वॉन्टेड टू गेट आउट ऑफ माई कम्फर्ट जोन, तो मैंने बोला क्यों ना कम्फर्ट जोन के बाहर आके कुछ किया जाए। नो नो आई थिंक थीम्स डोंट वर्क, एंड आई थिंक पार्टी के लिए जिसको जो कम्फर्टेबल लगे, जो जैसा आना चाहे वो वेलकम है। सो पांड्या स्टोर में आई थिंक सेट पे कुछ नहीं हुआ, आज छुट्टी थी मेरी, मैंने कल भी छुट्टी ली है, तो 2 दिन में सेट पे नहीं हूँ। अब जो होगा 17 तारीख को होगा, तो बाकी पूरी पांड्या की टीम अभी आने वाली है, तो आप उनसे ही पूछिए कि क्या प्रिपेयर किया उन्होंने मेरे लिए। बेस्ट विश फॉर टुडे आई थिंक नथिंग बेटर देन फैमिली यार। आई थिंक द बेस्ट विश स्टार्टेड विद 12 o'clock एट नाइट, जब पूरे परिवार ने पूरे ड्राइंग रूम में गिफ्ट सजा के रखे थे, जो फैंस ने अक्रॉस द वर्ल्ड भेजे हुए थे, और मेरे माता पिता ने मुझे कुछ गिफ्ट दिए, मेरे भाई ने कुछ गिफ्ट दिए, तो आई थिंक द बेस्ट गिफ्ट इज़ व्हाट फैमिली गिव्स यू, एंड जो भी लोग आ जाएंगे वो सारे मेरे गिफ्ट हैं और मेरे करीबी लोग हैं। सो आई थिंक द बेस्ट गिफ्ट इज़ दिस वॉच। जी एलिस आएगी ना अभी, जैसे एलिस जैसे इंसान भी ज़िंदगी में गिफ्ट हैं, कि ऐसी हालत में भी वो आएगी अभी, एंड आज एक शिवा रवि का शिवी बाइट तो बनता है, तो मैं इसलिए थोड़ा उसके पहले आ गया ताकि उसकी मदद कर सकूं और बाइट दे सकूं। Yeah, she's coming. What else you would like to say to all the viewers? आज बहुत लोगों ने विश किया रहेगा आपको, right? बहुत बहुत, आई थिंक मैं आधे लोगों को जवाब ही नहीं दे पाया हूं अब तक सोशल मीडिया पे और फ़ोन पे भी इनफैक्ट, तो अभी जब ऊपर जाऊंगा थोड़ा टाइम मिलेगा, थोड़ी फुर्सत मिलेगी, तब लोगों को गेट बैक करूंगा। थैंक यू कर दिया।
उठा लो उठा लो उठा लो देखो मैं सही बोला क्या मैं हट जाऊं? अच्छा आगे आ जाओ, आ सकता है। ओके रेडी। सो आई जस्ट वांट टू विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट। आई थिंक ही डिजर्व्स एवरीथिंग दैट ही वांट्स। ही वर्क्स सो हार्ड, उसे अपने काम से बहुत प्यार है। तो मैं चाहूंगी कि इस साल और आने वाले हर साल वो बहुत 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 ज्यादा तरक्की करे। मैं सर से बात किया अभी थोड़ी देर पहले, तो बोला आप आने वाले हैं। मैं भी वो करण जौहर वाली माँ हूँ जो मंदिर में घंटा बजा के मेरी एलिस आएगी, मेरी एलिस सब दीवारें फांद के आएगी। I couldn't miss, उसका 30th birthday है, तो I couldn't miss 30th क्या? उसका 29th होता, 28th होता, 26th birthday पे तो मैं खैर नहीं थी। 35th मैंने तेरी gift को भी show off किया है यहाँ पे कि Alice से मुझे gift दिया। Yeah, I gifted that। घर बैठे बैठे जुगाड़ किया लड़की ने। कि कवर वक्त पे नजर रखना। कि कवर मेरे पास बस 3 दिन बचे थे, मैं टूटी टांग के साथ बैठी थी, तो दिस इज ऑल आई कुड मैनेज। नहीं बट आप ही बताओ यार, कोई इतने दर्द में है, उसको नी का लिगामेंट टेयर हुआ है, एक आधी चीजें और हुई हैं, शी इज अनएबल टू वॉक। वो शूट भी मतलब 3-4 दिन में एक बार आ रही है, क्लोजेस लेके घर जा रही है, शी इज इन अ लॉट ऑफ पेन। तो आई थिंक जब कोई इतना आपके लिए करे कि वो यू नो इतने पेन में आए, आई थिंक यही तो बहुत है ना। तो थैंक यू यार, थैंक यू ये आई है मेरे लिए। Alice, what you would like to say for him? ऐसे दोस्त बहुत ही कम मिलते हैं। ऐसे दोस्त? हाँ मतलब दोस्त तो वैसे भी होते ही है ना, पहले तो दोस्ती है ना। ऐसा प्यार, प्यार दोस्ती है Alice, प्यार दोस्ती है। प्यार दोस्ती है। हाँ मतलब जो आपको इतना सपोर्ट करे, मतलब पिछले कुछ दिनों में 2 हफ्ते हो गए अब मेरी इंजरी को, आई डोंट थिंक कोई इतना सपोर्ट कर पाता जितना कवर ने किया। ही He's just constantly there, din ho, raat ho, kuch bhi ho, he's just there. So I think everybody deserves a dost like him. And I have him, so I'm really blessed and I feel lucky, yeah. अरे प्लीज मत बोलो प्लीज, मैं रोई भी हूँ ये सोच के कि मैं डांस नहीं कर पाऊंगी, प्लीज मत बोलो। नो थैंक्स। अरे यार, अरे आपने मतलब पता है दुखती रख पे जो पैर रखा है ना अभी, ये वही कल से बोल रही है कि मैं तेरे बोते पे डांस नहीं कर पाऊंगी। बिठा के ना चलेंगे, क्या टेंशन है? उठा के ना चलेंगे, गोद में उठा के डांस करा लेंगे। हैंड वाला डांस होता है ना जो सब करते हैं। हाँ तो आई थिंक, बट कोई बात नहीं यार, आई थिंक आना मैटर करता है टू फॉर हर टू बी अ पार्ट ऑफ इट ऐसे सिनेरियो में।
एक बजे डांस नहीं किया तो क्या हुआ यार, जिस दिन प्लास्टर उतरेगा नाचेंगे। प्लास्टर नहीं है, ब्रेस है। जो भी है, जिस दिन सब जुड़ जाएगा उस दिन नाचेंगे बस। घड़ी के सिवा मैंने कुछ प्लान किया तो था कि मैं आज दौड़ के दिखाऊंगी जो आज नहीं हो पाया तो हम कल करेंगे, जब हम करेंगे तो शायद आपको पता चले शायद ना चले, बट कुछ है जो थोड़ा स्पेशल है। सो यार लास्टली फैंस के लिए क्या मैसेज होगा दोनों की तरफ से? आई थिंक कवर का बर्थडे, कवर को आज मैसेज देना चाहिए फैंस को। मैं यही मैसेज दूंगा कि अपनी जिंदगी में ऐसे लोग चुने जो कैसे भी स्थिति में कैसे भी वक्त में आपके साथ खड़े हों और आप उनके लिए खड़े हों, जैसे कि हमारे फैंस हमारे लिए खड़े होते हैं। जैसे कि हमारे फैंस हमारे लिए खड़े होते हैं पर मैं कह रहा था जैसे हम एक दूसरे के लिए भी खड़े होते हैं, ऐसे एक एग्जांपल सेट कीजिए अपने लाइफ में भी, एंड ऑलवेज यू नो हैप्पी वैलेंटाइन्स डे, बी काइंड टू पीपल अराउंड यू, स्प्रेड लव एंड थैंक यू फॉर गिविंग अस सो मच ऑफ लव हमेशा, और इतने सारे बर्थडे विशेस के लिए थैंक यू। चलो आपने लेफ्ट में देखा ही नहीं। हैप्पी बर्थडे पहली बात तो कमर को कहना चाहूंगा, हैप्पी बर्थडे पहले ऊपर जाके बोलेंगे, हाँ उसको वहाँ ऊपर जाके बोलेंगे, बढ़िया सबके लिए भी, जो सारे मीडिया के हमारे जो दोस्त खड़े हैं सबके लिए भी, उनके थ्रू सभी की तरफ से हम हैप्पी बर्थडे बोलना चाहेंगे कमर को, बहुत बहुत प्यारा दोस्त है हमारा, एंड या इट्स बीन ऑलवेज बीन अ प्लेजर टू टॉक टू हिम, एंड या सरप्राइज ऐसा कुछ नहीं, हम लोग जस्ट जाके मिलेंगे उसे, मस्ती करेंगे, डांस करेंगे, बहुत एनर्जेटिक लड़का है, एंड इट्स ऑलवेज फन टू मीट हिम। वेल ऐश्वर्या एंड नील, आफ्टर शूट क्या कुछ प्लान था, लाइक कैसे आज का जो आउटफिट है फॉर द बर्थडे स्पेशल, समथिंग वाज देयर फॉर यू बोथ? अरे प्लान तो किया था बट मुझे फिट ही नहीं बैठा मुझे फिर जाना पड़ा खरीदने, तो वही हुआ है, ऐसा कुछ प्लान किया था बट वो फेल हो गया मेरा प्लान। यू नो नील एंड ऐश्वर्या, दी बर्थडे व्हिच यूज्ड टू बी इन अ चाइल्डहुड, हम बहुत कुछ एक्टिविटीज करते थे, और आज अगर कोई प्रैंक करना का मौका मिले कन्वर्ट के साथ ऊपर, क्या करना आप पसंद करेंगे? कमर के साथ प्रैंक? ओके, आई डोंट थिंक मैं प्रैंक करता हूं, प्लान करके नहीं आए यार। एक्चुअली ऐसा कोई प्लान तो किया नहीं है, ना ही दिमाग में ऐसा कुछ था, एक्चुअली दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही है अभी, शो को लेकर एंड एवरीथिंग, उसमें से निकल रहे हम लोग बाहर, सो वैसा कुछ अभी दिमाग में चल ही नहीं रहा है कि प्रैंक कर सकते हैं ऐसा कुछ। जी मैं पूरा कवर को ऐसे उठा ही लूंगा, अगर ऐसा मौका मिला ना तो उठा लूंगा, कपड़े खराब नहीं करने या बट या इट विल बी फन। वेल अगर
अगर शो की बात करें, क्या कुछ कहना चाहोगे? सभी फैंस हमेशा से एक्साइटेड होते हैं घूमे किसी के प्यार के लिए। Yeah, we are excited that हमारे फैंस, हमारी ऑडियंस एक्साइटेड रहती है शो को लेकर। बस वो एक्साइटमेंट बरकरार रखें, क्योंकि हमने हमारा एक्साइटमेंट कभी ख़त्म नहीं होने देंगे और ना ही वो एंटरटेनमेंट का कोटा। सो होप यू गाइस।